परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साये से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से, मरते हैं शान। इनके जो ये बाल वगैरह जैसे जो यहाँ पर जो इनके जो ये सब ये भर जाएंगे इनके सब ये, तो आपके ऊपर हम लोग एडिशनल हेयर वीविंग करेंगे। आज मेरी खुशकिस्मती है कि आप मेरे वहाँ आए और मुझे ये ऑफर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। जाहिर बात है सर, अगर आप एक बागीचे को इसी तरह देखिए, इसको आपने ग्रूम नहीं किया है, ये देखिए किस तरह से पड़ा हुआ है। आज मेरी उम्र 50 है, मैं 51 साल का हुआ हूँ, लेकिन मैंने भी ये एडिशनल हेयर वीविंग कराई। इधर लाइए, क्लोजअप लाइए सर, आप क्लोजअप लाइए, ये भी मैंने एडिशनल हेयर वीविंग कराई। सजाए बिखरे अपने सपने बागवान, फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागवान। रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है जो मैं करूंगा ये एक फिटिंग में तो नहीं होगा, ये शॉर्ट्स को हम लोग आज ले रहे हैं, लेकिन ये 2-2.5 महीने के बाद ये आपका रियल लुक आएगा। दिखाई राह मात पिता की उनके मन में तनिक नहीं परवाह, अश्वन भर नैनों से इनको देखे बागवान, अश्वन भर नैनों से इनको देखे बागवान। ना मैं जानू ना तू जाने किस घड़ी में होना है क्या, जिंदगी के इस जुए में पाना क्या है, खोना है क्या, तो भी है खुशियाँ उनके ही साए में हम हैं, आज मुस्कुराए उनकी भी तो आंखें नम है, कोई जाए कहां होगी यही जमीन और यही आसमान। ना मैं जानूं ना तू। दोस्तों आज मेरी मुलाकात शाहरुख खान से हो गई। बोले आपकी उम्र क्या हो गई? मैंने कहा भाई 65 साल। तो बोले 65 साल बहुत ज्यादा हो गई है, अमिताभ बच्चन के बेटे के समान लगेंगे। मैंने कहा यार क्यों मजाक मेरा उड़ा रहे हो, बुढ़ापे में मेरी क्यों खिंचाई कर रहे हो? कहने लगा ठीक है आप आइए, आपके सामने मैं हूँ, मैं क्या था, मुझे क्या बना दिया एडिशन हेयर वेविंग जो आज की टेक्नोलॉजी है उससे इस तरह कर दिया कि मुझे लगता नहीं कि जैसे मेरे बाल कभी कम हुए थे। वाकई ये शख्स जय दुनिया वालों के लिए, और दुनिया वालों को खुशी चाहिए कि वो
जब तक जिंदा रहे खूबसूरत से खूबसूरत बनके रहे। और आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप भी ना उम्मीद हो गए कि आपकी जवानी वापस आए तो आप शान खान से मिलिए। जिंदगी जिंदा दिल का नाम है। दोस्तों से प्यार किया, दुश्मनों से बदला लिया, जो भी किया हमने किया। आप देख सकते हैं एडिशनल है विविंग, बॉलीवुड एक्टर वगैरह इससे इतनी क्वालिटी है विविंग कर पा रहे हैं। छुपे हैं हाँ चेहरों के पीछे, कितने ही चेहरे छुपे हैं। धोखे का है धुआं सा है। इनके जो ये बाल वगैरह जैसे जो यहाँ पर जो इनके जो ये सब ये भर जाएंगे इनके सब ये। तो आपके ऊपर में हम लोग एडिशनल हेयर वीविंग करेंगे। आज मेरी खुशकिस्मती है कि आप मेरे वहाँ आए और मुझे ये ऑफर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। मैं भी शेर और शायरी का सर शौकीन हूँ और मुझे पता नहीं क्यों आपने जो ये शेर सुनाया बहुत बहुत अच्छा लगा। क्या कहा था कि तरक्कियों के दौर पे, तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल रहा है। वही और क्या था, जिसने बनाया अपना रास्ता, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से मतलब इतने लोग चल रहे। और आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप भी ना उम्मीद हो गए कि आपकी जवानी वापस आए तो आप शान खान से मिलिए। जिंदगी जिंदा दिल का नाम है। परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से उसके साये से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा यही साया उसके काम आएगा। चाहे मुश्किल की जितनी घड़ी आ जाए, परेशानी जितनी आ जाए, परेशानियों को हंसकर सह लेना और जिंदगी जो है वो जिंदा दिली का नाम है। हंसने वाला बने खिलाड़ी, रोए तो पांव की धूल। और इस शख्स में वो काबिलियत है जो एक उम्र दराज आदमी को भी, वो मैं 65 साल का होती भी है। सर मैं अभी देख रहा था आप गा भी रहे थे। हंसने वाला बने खिलाड़ी, रोए तो पांव की धूल। मैं तो इस शख्स के लिए एक ही बात कहता हूँ, जब तो ये शख्स इतने बड़े तरक्की याफ्ता दौर में उन लोगों की भीड़ में एक अकेला यानी लाखों करोड़ों के भीड़ से निकलकर एक अपना मकाम बना दिया, वाकई अल्लाह उसको और तरक्की पे ले जाए और ऊंचाई पे ले जाए, मेरी तो यही दुआ है। दुश्मनों से बदला लिया, जो भी किया हमने किया शान से। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी। मर के जीने जाने मन कहलाएगा। जो भी किया हमने किया शान से, शान से। शान खान हेयर डिजाइनर सैलून, फोन 9831302789।